मंजू उठो बेटा, देखो सुबह हो गई, उठो। अरे मेरी बेटी के उठने का टाइम हो गया, उठो संजू, चलो 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 उठना आलसी लड़के, कितना सोएगा, चलो उठो। इतनी देर से जगा रही हूँ मैं, पता हम लोग कितने बिजी हैं। हम लोग दिवाली की सफाई कर रहे हैं, चलो हमारी मदद करो। जल्दी आओ, वेरी गुड। उमा, कुछ साल पहले तक तुम इस मॉडल से जरा भी कम नहीं थी। हाँ? अच्छा बताओ ना राज, अब उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं? बस यही कि अब तुम उसकी माँ। नहीं लगती, अब ये तुम्हारी माँ लगती है। बेटर। अच्छा बहुत हो गई मॉडल की सफाई। नहीं थोड़ा और साफ कर। बस हो गई ना, छोड़ो इसे। चलो और चीजें साफ करो। अरे लेकिन चलो अब तुम ये सब साफ करो। अरे बाबा आप कितना काम कराओगी, सुबह से तो काम कर रहा हूँ। मैं भी तो सुबह से काम कर रही हूँ। अच्छा बाबा क्या साफ करूँ? सब कुछ। ये बिना ग्लास क्लीनर के साफ नहीं होगा। अरे वो बाथरूम में रखा है, ले लो। अब उसे मैं ही लेने जाऊं? तुम तो कोई काम करते ही नहीं हो, हद है। मम्मी मैं लेकर आऊं? थैंक यू बेटा। अरे दूर मत उड़ाओ। काम फंस गया यार। घर में कहीं भी ग्लास क्लीनर नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। पापा ये लो। वेरी गुड। देखा मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है, तुमसे भी ज्यादा। मेरी कितनी फिक्र करता है। एक्सक्यूज मी, सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है ये? हाँ क्यों बेटा? यस, मैं सबकी फिक्र कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी फिक्र करने वाला फ्रेंड जो है। ये रही तुम्हारी डायरी। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। बस बहुत हो गया। हाँ क्या ये सुबह से तुम दर्जियों की तरह कटिंग्स लेकर बैठे हुए हो? अरे बाबा ये सब बिजनेस की बातें हैं, तू नहीं समझेगी। हाँ तुम्हारी समझ में तो बहुत आता है ना। आज तक तुमने कोई भी ऐसा बिजनेस किया है जिसमें कोई फायदा हुआ हो? अरे बाबा ये बिजनेस में फायदा ही फायदा है, समझा? ऐसा सोचा है मैंने इस बार। क्यों, किसी बैंक को लूटने का इरादा है क्या? अरे बाबा सबको अपनी तरह सोच रखा है क्या? क्या मतलब? अरे बाबा कुछ नहीं, आओ तुम बैठो, बैठो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, आओ बैठो पहले। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर। नवंबर के महीने में क्या होता है? सर्दी होती है। अरे बाबा तुम्हारे दिमाग को सर्दी हो गई है क्या? अरे सोचो नवंबर के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ऐसे बोलो ना। हाँ दीपावली मनाते हैं। करेक्ट। और दीपावली कैसे मनाई जाती है? ये क्या छोटे बच्चों की तरह तुम सवाल पूछ रहे हो? दीपावली दीपावली की तरह मनाई जाती है। नए कपड़े खरीदते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। करेक्ट। अब की ना तुमने दीपू वासवानी की बीवी जैसी बातें, बिजनेसमैन टाइप। अब सोचो अगर हम इस दीपावली में पटाखे और मिठाइयों का धंधा करें तो? अरे वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अरे इसीलिए तो ये सब कटिंग कर रहा हूँ। देखो हम लोग डिस्काउंट में माल लेंगे और सोसाइटी में बेचेंगे। बाकी तो तुम्हारी धाम, लेकिन अगर ये सब बच गया तो क्या करेंगे? अरे बाबा फिर हम करुणा को दे देंगे, हमारी बेटी है ना, पटाखे पटाखे तो देने पड़ेंगे ना। इसे कहते हैं आम के आम और गुटलियों के दाम। भूल गया तुम्हारी अदल का ताना? अब चलो कटिंग करो। हाँ चलो। अरे साइड जाओ, साइड जाओ। हाँ ये लो पकड़ो कैंची। अरे दीपावली आली रे आली, दीपावली आली रे आली रे। शरद दादा इतना गरीबी की तरह फैला हुआ है, की होलो? बंगाली बाबू हैं? जरा पासाना हैं? अब उनके दिल में गोली लगी है, जरा देखो। भटनाथ आपका दिल कहाँ है?
तो फिर अब हम जिंदा कैसे हैं? वो तो आप बहुत छेमले हैं ना इसलिए। समझ गया, इसका मतलब ये है कि आप उन बोल भाग रहे है ना। मगर गोली तो चली, वहां से फायर हुआ। अगर दिल में गोली नहीं लगी तो हाथ में लगी होगी, पैर में लगी। जरा बगा ना, देखो बॉम्बे फिल्म का हीरो की तरह फुटेज खाता रहता है। नहीं, हम मरना नहीं चाहती हूँ, हम मरना नहीं चाहती हूँ। अरे बंगाली भाई, तुमको कौन मारेगा? आप पुणे ना तुम्हारे साथ में। अरे कुछ नहीं, अभी तुम लोग मजाक कर रहे थे, हाँ अभी अपुन तुम्हारे साथ मजाक करता है। तो क्या करता है, दिवाली का मौका है ना, थोड़ा मस्ती वस्ती कर रहा है। अरे किसी का भी बच्चा हो अपुन का बच्चा हो, लेकिन ये अपुन के बच्चे लोगों ने अपुन की इज्जत को मिट्टी में मिला डाला। मिट्टी किंतु नीचे तो मार्बल है। अरे बंगाली बाबू, अपुन की इज्जत। शरद बाबू, जो चीज आपके पास है नहीं उसका क्या फिक्र करना, हैप्पी दिवाली। सही बोला, अपुन के पास इज्जत नहीं। क्या बोला? ए, ए, रुक, ए। ऐसे खालिया जाना ठीक नहीं होगा, क्या लेकर जाऊं? हाँ दिवाली की साफ सफाई चालू होगी। मैंने सोचा कि आप दिवाली की साफ सफाई नहीं करोगे, और दिवाली में साफ सफाई करना जरूरी है, इसलिए मैं आपके लिए झाड़ू लेकर आ गया। दिवाली? हाँ दिवाली, दिवाली मतलब दीपावली। I'm sorry संजय, actually मैं थोड़ा बिजी था। बिजी थे? पर आप तो सोफे पर आराम से बैठे थे। मेरा शरीर आराम करता है लेकिन मेरा दिमाग नहीं। ओह मतलब आप गहरी सोच में थे। पर किडनैपर तो अब पकड़ा गया, फिर आप कौन से मिशन के बारे में सोच रहे थे? अरे दरवाजा कैसे बंद हो गया? अपने आप ही बंद हो गया शायद। खैर छोड़ो, वैसे तुम दिवाली के बारे में क्या जानते हो? दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो सकता है? तुमने बताया नहीं, तुम दिवाली के बारे में क्या जानते हो? दिवाली में पटाखे चलाते हैं, फिर रंगोली बनाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, हाँ मिठाई बांटते हैं, बस इतना ही जानता हूँ। क्या तुम जानते हो कि दिवाली के साथ एक भयानक रहस्य भी जुड़ा है? इस दिन ब्रह्मांड की सारी बुरी शक्तियाँ आजाद और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, और इन शक्तियों के उपासक और जादूगर इन शक्तियों से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और इन शक्तियों का बुरे कामों के लिए प्रयोग करते हैं। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिवाली पर कोई घटना घटने वाली है, हमें अलर्ट रहना चाहिए। शैतान, हमने तुम्हारी आदत में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आज तक हमें वो पेंसिल प्राप्त नहीं हुई। आज हम तुमसे अनुरोध करते हैं, ब्रह्म राक्षस को भेजो, हम उसके लिए तुम्हारी विशिष्ट साधना करने जा रहे हैं। ब्रह्म राक्षस स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।